नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। आज राजधानी में नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी ने समान काम के लिए समान वेतन और 18,000 रुपए मासिक मजदूरी देने जैसी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। नगर निगम अंचलों पर कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया और आगजनी की। चतुर्थ वर्ग कर्मचारी यूनियन के महासचिव नंदकिशोर ने कहा कि पिछले कई सालों से हम लोग आंदोलन करते आए हैं, यहाँ तक कि कोरोना काल में कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर काम किया है। नगर और विभाग सिर्फ आश्वासन ही देते हैं, लेकिन इस बार कर्मचारी मानेंगे नहीं जब तक सरकार इनकी मांगे मान नहीं लेती। महासचिव ने निजी एजेंसी के मजदूरों को मनमानी ढंग से हटाने पर रोक लगाने की भी मांग की है। वही महासचिव ने कहा कि पिछले बार भी निगम के पदाधिकारियों ने भरोसा दिया था कि इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, जिससे आज फिर से निगम कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जो बाकी बकाया है उसका भुगतान कर निजी एजेंसी में जो काम कर रहे कर्मचारी उनको सीधे निगम में बहाल किया जाए, निजीकरण और प्रभारी व्यवस्था समाप्त किया जाए, ये मांग है। और जो यहाँ 4,500 रुपया बोनस निजी एजेंसी कर्मचारियों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है उसको भुगतान किया जाए, और 15 सूत्री मांग जो है लेकर के आज से 8,500 कर्मचारी हड़ताल में चले गए हैं, और जब तक ये मांग पूरा नहीं होता है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। निगम प्रशासन हिमांशु शर्मा जो है सो मजदूर विरोधी हैं, घमंडी हैं, इनको घमंड हो गया है अपने IAS होने का। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे खबरों को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।